अब बात करेंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ जिले के खासकर बड़ी संख्या में शिवसैनिकों ने यहां पर आंदोलन किया है और मुद्दा जो है वो खस्ताहाल सड़कों को लेकर है। यह आंदोलन शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चक्का जाम करके किया है। रास्ता रोको आंदोलन रायगढ़ जिला परिषद के विपक्ष के नेता सुरेंद्र महात्रे की अगुवाई में किया गया। यह पूरा का पूरा मामला आपको बता दें कि सड़क खस्ताहाल सड़क जिसे कई सालों से बनाया जा रहा है लेकिन आज तक यह सड़क कभी बन नहीं पाई। बीरबल की खिचड़ी की तर्ज पर इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसा आरोप सुरेंद्र महात्रे का है। संबंधित अधिकारियों द्वारा 21 फरवरी से सड़क का काम शुरू करने का वादा किया गया था जिसके बाद आखिरकार शिवसैनिकों ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत थेरोंडा रोड और आगरा रोड की स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है और इसी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था जो अभी भी अधूरा है। कई बार शिकायत की गई, प्रशासन द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य नहीं किया गया जिसके बाद नाराज होकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रेवदंडा हाई स्कूल के सामने सड़क पर बैठकर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। इस बारे में सुरेंद्र महात्रे का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले रेवदंडा थेरोंडा सड़क का काम साल 2018 से शुरू है लेकिन आज तक यह काम नहीं हो पाया जबकि इस कार्य के लिए 23 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। मात्रा के मुताबिक सड़क की बदहाल स्थिति के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं जिसकी वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया जबकि संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल काम पूरा करने का आश्वासन भर दिया जाता है, इसलिए शिवसैनिकों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसा कहना मात्रे का है। आंदोलन की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी अपने दलबल के साथ पहुंच गए। अधिकारियों द्वारा बार बार समझाने के बाद भी जब आंदोलनकारी सड़क से उठने को तैयार नहीं हुए तो संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया जिन्होंने आंदोलनकारियों को 21 फरवरी से आगरा रोड और 25 फरवरी को थेरुंडा रोड का काम शुरू करने का उन्होंने वादा किया जिसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन के दौरान करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहा और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र विकास महामंडल के तरफ से ये अपना थेरोंडा रोड चल रहा है, रेवदंडा थेरोंडा रोड का काम चल रहा है। 2017 से ये काम चालू अपना वर्क ऑर्डर हो गया, 2018 से ये काम चालू है लेकिन अभी तक काम कुछ किया नहीं। यहाँ से 23 लाख रुपया खर्चे के लिए निकाला हुआ है लेकिन अभी तक काम का कुछ पता नहीं। हर रोज एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होके कोई किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर का पैर को लगा है, किसी को चोट लगी माथे पर, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। और हम लोग उनके ऑफिसर को मिलने के लिए जब जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कल चालू करके परसों चालू करेंगे लेकिन अभी जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज रास्ता रोको के आज का रास्ता रोका इसलिए कि आज समझो काम ये हफ्ते में नहीं चालू किया। आज वो लिखित देने वाले हैं, वो लिखित नहीं दिया और आज काम ये हफ्ते में काम नहीं चालू किया तो फिर हम लोग पूरी जनता रास्ते पर उतर के इसका विरोध करेंगे और ये रास्ता पूरा करके लेंगे।